दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, दीपक झा स्टडी मस्ती में आपका स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पर। मैं हूं दीपक झा। तो दोस्तों आज स्टडी नहीं होने वाली है, आपको पता है स्टडी नहीं होगा। और आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल पढ़े भी होंगे। तो जी हाँ, आज मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि सर सेटअप 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 कब दिखाइएगा। मैंने मौका निकाला और सोचा क्यों नहीं आज सेटअप का ही वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डाल दे। तो जी हाँ, आप लोग एक्साइटेड हो इस सेटअप को देखने के लिए और मैं भी एक्साइटेड हूँ इस सेटअप को दिखाने के लिए। चलिए मैं फाइनली इस वीडियो में आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा। और हाँ, सेटअप देखिएगा तो हंसिएगा ना, क्योंकि ये एकदम सिंपल सेटअप है और एकदम देसी जुगाड़ के साथ मैं सेटअप तैयार किया हूँ, जिस जुगाड़ से मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। पहले इसमें ज़्यादा कोई खर्च हुआ नहीं, मैं छोटा सा कम रकम कम खर्च जिसको कहते हैं ना, कम खर्च में अपना सेटअप तैयार किया हूँ और पढ़ाने का एक जुगाड़ करके ये वीडियो शूट कर लेता हूँ ताकि अपना स्टडी का वीडियो शूट करके इस चैनल पे डाल सकूँ। और आपको का प्यार रहा तो फिर सेटअप को और अच्छा से तैयार कर लेंगे। तो फाइनली मेरे इस सेटअप में ना कोई DSLR कैमरा है, ना बड़ा सा कोई माइक है ना इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं लाइट की व्यवस्था कर दिया हूँ, जिस लाइट से काम चल जाता है सिर्फ और वीडियो शूट हो जाती है। ठीक है, तो मैं जो अभी वीडियो शूट करूंगा, इस वीडियो शूट करने के लिए एक लड़का को बुलाया हूं, तो उस लड़का से आप लोग मिल लीजिए और उस लड़का का नाम है आशुतोष कुमार और वो आकर के आपको कुछ बताएगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, दीपक झा स्टडी मस्ती में आपका स्वागत है। मुझे बुलाया गया है दीपक झा स्टडी मस्ती का, जो अभी आपको सेटअप दिखाएंगे उस सेटअप को मैं ही शूट करूंगा। चलिए अब उस सेटअप को देखते हैं। तो फाइनली चलिए मैं अपना सेटअप आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो है ये पूरा 6x4 का बोर्ड है। कितना का बोर्ड है? 6x4 का बोर्ड, एकदम कम नहीं है, 6 फीट लंबा है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई है 4 फीट। ठीक है, तो 6x4 का मैं बोर्ड ले लिया और इस पर मुझे वीडियो शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से मैं ट्राइपॉड है उस पर रख करके वीडियो को शूट कर लेता हूँ। ठीक है, एक लाइट देखिए, एक लाइट ये जो आप लाइट देख रहे हैं ऊपर में, ये 18 वाट का लाइट है। और एक लाइट और है, ये लाइट देखिए, ये लाइट आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये लाइट है 9 वाट का। दो लाइट, एक लाइट और होगा ऊपर देखिए, हाँ यही लाइट है, ये लाइट है 9 वाट का। तो 9 वाट का लाइट और ये जो आप देख रहे हैं ये भी 9 वाट का लाइट है। और एक लाइट और है, ये जो मैं आपको बताया 18 वाट का लाइट है। ये तीनों मिला करके इसी से काम चला लेते हैं। फिलहाल मैं 3 लाइट अभी लगाए हैं और 3 लाइट से ही काम चला लेते हैं। उसके बाद देखिए, एक मैं आपको ट्राइपॉड दिखाता हूँ जो मैं ऑनलाइन परचेज इसको किए थे और ये करीब 600 का पड़ा था, जो एक छोटा सा ट्राइपॉड है, इतना ही इसका साइज है और इससे वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो मैं क्या किया कि इसको मैं छोड़ दिया क्योंकि ये छोटा सा है और इससे शायद टिकटॉक जो वीडियो आती थी वो सब बनता है, चाहे स्नैक वीडियो बनती थी, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। और अगर वो सब वीडियो अगर बनानी होती है तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ। उसके बाद मेरा एक और ट्राइपॉड है, ये आप हंसिएगा जरूर देख करके, लेकिन ये देसी जो ट्राइपॉड है जो मैं लकड़ी का, बांस का जो लकड़ी होता है उससे बनाया हूँ और यही लकड़ी से मेरा वीडियो इस पर रख करके वीडियो को अपना शूट कर लेता हूँ। फाइनली ये बहुत ही अच्छा है और जो इस पर रख करके आसानी से वीडियो को शूट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। और आगे आइए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये मेरा जो किताब है, इसमें मेरा किताब रखा हुआ है, मैं यहीं से अपना स्टडी कर लेता हूँ। और ये मार्कर हो गया, ये इंक है, जब मार्कर का इंक खत्म होता है तो इसमें डाल करके तब आसानी से यहाँ से स्टडी करने के साथ और मार्कर उर्कर लेकर के मैं यहाँ पे पढ़ाने उढ़ाने का काम करता हूँ और आप लोगों को मैं यहीं से बता पाता हूँ और आसानी से पढ़ा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। तो ये था मेरा छोटा सा सेटअप, जो इस सेटअप से ही मैं आप लोगों को इतना सारा वीडियो दे पाया। इससे पहले मेरा एक और सेटअप था जो मैं पिछले वाला वीडियो में दिखाया था कि छोटा सा बोर्ड था, छोटा सा रूम था, उसमें छोटा सा बोर्ड होने के कारण मुझे काफ़ी सारा दिक्कत होती थी, लेकिन इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आसानी से वीडियो शूट करके आराम से एडिट करके वीडियो को डाल लेता हूँ। और हाँ, मैं कोई लैपटॉप इस अभी नहीं रखा हूँ कि मुझे एडिट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मोबाइल से ही सब चीज़ कर लेता हूँ, वीडियो शूट भी करता हूँ। सैमसंग मोबाइल है मेरे पास, सैमसंग J7, उससे मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ और उसी से मैं एडिट भी कर लेता हूँ और मैं यूट्यूब पर डाल भी देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कुछ ना कुछ जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए, जितना शेयर करना है कर दीजिए, ताकि जो छोटा बंदा जो गरीब होगा, जो सोचता होगा कि मेरे पास सेटअप नहीं है, वीडियो शूट कैसे करूँ, तो इतना कम खर्चा में आसानी से सेटअप तैयार कर सकता है, जोड़ लीजिए। ये 1200 का है,
मैं वो 250 का एक लाइट और 250 का यानी 500 में हमको चार तीन लाइट अभी फिलहाल लगा चुके हैं, तो आसानी से 1500 रुपये 1200 आसानी से मुझे 1700 रुपया खर्चा हो गई है। और ये ट्राईपोर्ट था 600 का, तो 600 इसको भी जोड़ लीजिए, 1700 3600 हो गया, 600 इसका भी जोड़ लीजिए तो 2300 रुपया हो गया। और इसको तो अपने से बना लिए थे, यानी मैक्सिमम मानिए ना कि 2500 से 3000 में आपका सेटअप तैयार हो जाएगा काम चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर ले लीजिएगा, मैं 3 मार्कर रख चुका हूँ जिसके लिए मुझे कोई दिक्कत, एक रेड का है, एक ब्लैक, एक ब्लू है, ठीक है, इससे मैं काम चलाता हूँ और कोई दिक्कत मुझे नहीं होती। आसानी से वीडियो शूट कर लेता हूँ, यूट्यूब पर डाल देता हूँ, तो वीडियो के बारे में आप तो आप सेटअप मेरा देख ही लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए आप कहीं नहीं जाइएगा। तो फिर भी लेंगे हम आपके साथ स्टडी के साथ नया वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।